यूएन में हमें परमानेंट मेंबरशिप कब मिलेगी? जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। पर कुछ भी जो बड़ी चीज़ होती ना, बिना मेहनत के कभी मिलती नहीं, तो मेहनत भी करना पड़ेगा। और इस बार थोड़ा ज़्यादा ही मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक क्या हुआ है, ये यूएन की संस्था जो है, ये अब करीब इसको बनते बनते 80 साल हो गए। उस समय जो है 5 देश थे जिन्होंने आपस में तय कर लिया था कि वो यूएन के परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर बनेंगे। उस समय कुल मिला के स्वतंत्र देश जो थे वो करीब 50 थे। अब पिछले 80 साल में वो 50 देश यूएन की अगर आप सदस्यता देखें तो 50 से करीब 200 193 94 ऐसा कुछ है। पर उन्होंने क्या किया है, इन पांचों ने एक किस्म से अपना कंट्रोल रखा है। और ये अजीब बात ये है कि आप उन्हीं पांच से पूछ रहे हैं कि आप अपनी सहमति दीजिए कि ये चेंज करें। आप माने ये अजीब सिचुएशन। अब क्या हुआ है कि उनमें से आप कुछ राजी हैं, कुछ नहीं हैं, कुछ ईमानदारी के साथ अपनी पोजीशन रखते हैं, कुछ पीछे से कुछ और चलाते हैं। तो और उन्होंने दूसरों को भी खड़ा रखा है कि अगर आप कुछ प्रस्ताव दें तो किसी और से कुछ और प्रस्ताव दिलवाते हैं। तो ये सालों से चल रहा है। अभी मुझे लगता है कि दुनिया में ये भावना की चेंज होना चाहिए और चेंज में भारत को परमानेंट सीट मिलना चाहिए। ये भावना जो है ये मैं हर साल में देख रहा हूँ कि ये भावना बढ़ रही है। और इसके कारण आज कल एक सुनवाई हो रही है, एक नेगोशिएशन चल रहा है जिसमें अलग अलग देश जो हैं अपना पक्ष रख रहे हैं कि हमारे मन में ये आइडिया है कि ऐसा होना चाहिए। तो एक मेक्सिको का मॉडल है, एक छोटे देशों के प्रतिनिधि लिचेनस्टाइन का मॉडल है, अफ्रीका ने कुछ रखा है, अरब देशों ने कुछ रखा है, हम जो हैं भारत जापान जर्मनी और ब्राज़ील हम चार जो हैं मिलजुल के हमने एक प्रस्ताव सामने रखा है। तो मुझे लगता है कि इससे थोड़ी तो आगे बात बढ़ेगी, पर ये हमें दबाव बना के रखना चाहिए। और जब ये दबाव बढ़ता जाएगा और लोग देखेंगे कि जब तक ये देश नहीं आएंगे, क्योंकि अभी दुनिया में ये फीलिंग है कि यूएन बहुत कमज़ोर हो चुका है, कि यूएन की कहीं चलती नहीं है। यूक्रेन, अब यूक्रेन युद्ध में यूएन में डेडलॉक हो गया था। अभी जो इसराइल गाज़ा में जो चल रहा है वहाँ भी यूएन की सहमति नहीं बनी इसमें। तो मुझे लगता है कि जैसे ही ये फीलिंग बढ़ता जाएगा हमारे लिए जो सीट मिलने की संभावना जो है वो भी बढ़ती जाएगी। फ्रॉम ब्रेकिंग न्यूज, डिटेल्ड एनालिसिस, इन डेप्थ इंटरव्यूज एंड एक्सप्लेनर्स, फॉलो द टाइम्स ऑफ इंडिया, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक आवर वीडियोस एंड हिट द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट।